बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल को निकालने के लिए अंतिम दौर का रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है और कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन है जो नॉनस्टॉप जारी है। राहुल को बचाने के लिए करीब 46 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है लेकिन रेस्क्यू अभी भी जारी है। टनल बनाने का काम युद्ध गति से जारी है। देर रात से टनल बनाने का काम किया जा रहा है। चट्टान और पत्थर आने के कारण रेस्क्यू कार्य थोड़ा धीमा चल रहा है। फिलहाल पत्थर काटने का काम किया जा रहा है और राहुल के रेस्क्यू में अभी भी और भी ज्यादा वक्त लग सकता है। सुरंग बनाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसके लिए विशेषज्ञों से भी चर्चा की जा रही है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। और आप वो भी तस्वीर देख रहे हैं कि 60 फीट गड्ढा तो खोद लिया गया है, उसके बाद जिस तरीके से टनल बनाने का यहाँ पर तय किया गया था कि टनल बनाया जाएगा, उसके लिए आप देखिए किस तरह से टनल बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। और उसके साथ आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर अभी फिलहाल मैनुअली खुदाई की जा रही है ताकि एक टनल बनाया जाए और फिर उस टनल के जरिए राहुल तक पहुंचा जा सके। तो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और कहा जा रहा है कि अभी अंतिम दौर का ऑपरेशन है क्योंकि प्लान ए के तहत आपको बता दें पैलरी एक गड्ढा खोदा गया, 60 फीट गहरा वो गड्ढा रहा और उस गड्ढे के बाद अब एक टनल खोदा जा रहा है और उस टनल के जरिए ही राहुल तक पहुंचा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यहां पर जो गड्ढे में जो चट्टान है और जो पत्थर है वो बनी हुई है क्योंकि लगातार उन्हें तोड़ने का भी फिलहाल काम किया जा रहा है और राहुल को कोई नुकसान ना पहुंचे इसलिए मैन्युअली और मशीनों का भी यहां पर उपयोग किया जा रहा है। तो 66 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, जिंदगी की जंग लगातार जारी है। राहत की बात यह है कि आज सुबह भी राहुल रिस्पॉन्स करता हुआ नजर आया। उसको सुबह रास्ते में केला दिया गया, ग्लूकोज भी उसको दिया गया और लगातार वो भी वहां से रिस्पॉन्स दे रहा है लेकिन अभी भी चट्टान और पत्थर आने के कारण रेस्क्यू थोड़ा धीमा चल रहा है लेकिन उम्मीद सबकी बरकरार है। ऐसे में आपसे यही अपील कि आप दुआएं कीजिए, प्रार्थना कीजिए क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आपकी दुआओं का और प्रार्थना का ही असर है कि 66 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन राहुल सकुशल अभी अंदर है। रॉकी स्ट्राटा है तो अलग अलग उसमें डिस्टेंस है तो औसतन वो 4.5 फीट के आसपास है, वहाँ से राहुल करीब करीब 7-8 फीट की दूरी पर है। सर जो बी और सी करीब करीब 7-8 फीट की दूरी पर है। सर जो बी और सी भी प्लान था उस पर भी अभी वो प्लान चूँकि सक्सेसफुल नहीं रहा था बट विल स्टिल ट्राई, उसमें हम कोशिश फिर से करेंगे कि बच्चा बाहर आ जाए तो उसको हम निकाल लेंगे। तो आप सुन रहे थे जांजगीर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला को, उन्होंने पूरी जानकारी दी कि अब किस तरह से काम आगे चल रहा है। 66 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और टनल बनाने का काम युद्ध गति से जारी है लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा चुनौती है चट्टान और पत्थरों की जो कि टनल के रास्ते में आ रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से एसडीआरएफ एनडीआरएफ के साथ ही जो दूसरे दल हैं रेस्क्यू करने वाले वो लगातार यहां पर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, टनल बनाने का काम नॉनस्टॉप जारी है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि राहुल पर कैमरे से भी नजर रखी जा रही है, ऑक्सीजन उस तक पहुंचाई जा रही है, इसके साथ ही उसके नाश्ते का खाने पीने का भी प्रबंध किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि राहुल खुद भी टीम की मदद कर रहा है। कल की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से अंदर बोरवेल में जो पानी भर गया था और एक डब्बे के सहारे राहुल खुद भी उस पानी को बाहर निकालने में मदद कर रहा था। तो यही वो तस्वीर है जो सबको उम्मीद देती है और शायद इस कारण भी 66 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और टीम का भी मनोबल नहीं टूटा है। दिन रात जाग करके उनकी सिर्फ एक यही प्राथमिकता है कि राहुल को सकुशल बाहर निकाला जा सके, वापस लाया जा सके। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं हम जांजगीर चांपा का ग्राउंड जीरो को। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आप लगातार बीते 3 दिनों से पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल के अपडेट आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है और सबसे बड़ा सवाल यही कि और कितना वक्त लगेगा अभी जितेंद्र? देखिए जो ताज़ा अपडेट है हम जानकारी दे दें अपने दर्शकों को कि एक बार फिर से यहाँ पर जो अंतिम दौर का रेस्क्यू का जो काम टनल बनाने का काम है
वो फिर से शुरू हो गया है। कुछ देर के लिए जरूर यहाँ पर काम ब्रेक हुआ था क्योंकि देखने में आया था कि बड़े चट्टान और पत्थर यहाँ पर टनल बनाने में बाधा बन रहे हैं। लगातार जो टीम है इसको कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है इन पत्थरों को तोड़ने के लिए। दरअसल जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि लगभग 8 से 10 फीट का जो टनल है वो तैयार किया जाएगा और महज 5 से 6 घंटे का समय लगेगा, काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से काम की शुरुआत हुई, शुरुआत में ही देखने में आया है लगभग 2 से 3 फीट की खुदाई में ही अगर बात करें तो लगभग 6 से 7 घंटे का वक्त जो है वो लग चुका है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल यहाँ पर हो रहा है टनल के निर्माण में, क्योंकि रात लगभग 12 से 1 बजे के बीच में यहाँ पर जो टनल की खुदाई है वो शुरू हुई थी। उसके बाद अगर अभी बात करें तो लगभग 9 बज गए हैं और जो स्थिति है लगभग 3 से 3.5 फीट ही यहाँ पर जो खुदाई है वो हो सकी है। तो समझा जा सकता है कि कितनी परेशानी यहाँ पर टनल के निर्माण में हो रही है क्योंकि बड़े पत्थर, बड़े चट्टान यहाँ पर आ गए हैं। ऐसे में जितनी मशीनरीज है अब उस पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से चट्टान को ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए, जिसके बाद जो टनल का काम है वो आगे बढ़ सके। हालांकि अब कुछ यहाँ स्थानीय स्तर पर कुछ अलग से मशीन भी यहाँ पर छोटे इक्विपमेंट मंगाए गए हैं ताकि धीमी गति से ही सही ड्रिल करके यहाँ पर जो चट्टान है उसको तोड़ा जाए। हालांकि जिस तरह से स्थिति अभी बनी हुई है लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो टनल का काम है उसको पूरा किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्थिति है, किस तरह से एक बड़ा यहाँ पर गहरा गड्ढा जो है यहाँ पर तैयार किया गया है और इसी गड्ढे के सहारे ही अगर कहें तो यहाँ पर कोशिश है राहुल तक पहुँचने की, क्योंकि 60 फीट ये गहरा यहाँ पर गड्ढा किया गया है। देख सकते हैं आप तमाम जो मशीनरीज है, बोरवेल मशीन है, प्रेशर मशीन है, फायर ब्रिगेड, तमाम यहाँ पर संसाधन जो है वो जुटाए गए हैं ताकि रेस्क्यू में किसी तरीके के कोई परेशानी ना हो, सुरक्षा में कोई चूक ना हो, कहीं कर स्थिति अगर बिगड़ती भी है तो तत्काल उस पर काबू पाया जा सके। तो इसको लेकर यहाँ पर प्रशासन की जो कवायद है वो लगातार जारी है। फिलहाल जो स्थिति है लगभग 66 घंटे बीत गए हैं, राहुल जो है वो अभी भी गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है। राहत की बात जरूर है कि राहुल लगातार एक्टिविटी कर रहा है, उसका हलचल जो है वो बना हुआ है। सुबह भी उससे यहाँ पर जो डॉक्टरों की टीम ने है उसका स्वास्थ्य यहाँ पर हालचाल देखा है। ये जरूर है कि जिस तरह से डॉक्टर बता रहे हैं कि लंबे समय तक गहरे गड्ढे में होने के कारण, पानी और कीचड़ में होने के कारण जरूर इन्फेक्शन जो है वो यहाँ पर शुरू हो सकता है। थोड़ी जगह कट भी यहाँ पर राहुल को लगे हैं। ऐसे में आने वाले समय में अगर जल्दी अगर रेस्क्यू नहीं होता है तो निश्चित तौर पर एक चिंता का भी यहाँ पर विषय होगा राहुल के स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि लगातार राहुल यहाँ पर संघर्ष कर रहा है 66 घंटों से। ये जरूर है कि उसके संघर्ष को देखते हुए जिस तरह से उसकी स्थिति है, लगातार वो अगर बात करें तो अपने परिवार के साथ, रेस्क्यू टीम के साथ कनेक्ट है। SDRF और NDRF की एक टुकड़ी जो है लगातार से कनेक्शन बनाए हुए है, स्पाई कैमरे के जरिए लगातार उसके मूवमेंट पर यहां पर निगरानी भी रखी जा रही है। समय समय पर दवाइयां और खाना जो भी राहुल को यहां पर उपलब्ध कराया जा सकता है वो कराया जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें दूसरे तरफ प्लान ए पर, क्योंकि प्रशासन का शुरू से ज्यादा फोकस रहा है, प्लान बी और सी पर भी यहां पर काम शुरू किया गया था जिसमें रस्सियों के सहारे यहां पर राहुल को लिफ्ट करने की कोशिश की जा रही थी, रोबोटिक के जरिए भी यहां पर लिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें जो आशातीत सफलता मिलनी चाहिए वो फिलहाल अभी तक नहीं मिली है। और एक उम्मीद जो बड़ा अगर प्रशासन के सामने अगर दिखता है तो वो टनल के माध्यम से राहुल को रेस्क्यू करने का है, लेकिन अभी जिस तरह से बाधाएं लगातार आ रही हैं, बड़ा चट्टान आ गया है, ऐसे में थोड़ी परेशानी यहां पर हो रही है। लेकिन बिल्कुल जितेंद्र, तमाम परेशानी है लेकिन उम्मीद अभी बरकरार है क्योंकि लगातार राहुल भी यहां पर रिस्पॉन्स कर रहा है और यही एक अच्छी राहत की बात है। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो और उसके बाद राहुल सकुशल वापस आए और एक अच्छी खबर हम भी अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र, फिर से आगे आपकी तरफ रुख करेंगे। चलिए बढ़ते आगे और अब आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि कैसे राहुल बोरवेल में जा गिरा। आपको बता दें कि मासूम राहुल साहू बोरवेल के पास खेल रहा था तभी उसका पैर फिसला और वो बोरवेल के गड्ढे में जा गिरा। एनिमेशन के जरिए हम आपको वो पूरी तस्वीर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, बाड़ी के पास राहुल खेल रहा था और अचानक उसका पैर फिसला और वो गड्ढे में गिर गया और आप देखिए किस तरह से 60 फीट का जो गड्ढा है वहां पर जाकर के वो फंसा हुआ है और भी फिलहाल जो पैलरी एक और गड्ढा खोदा गया है उसके टनल निर्माण का कार्य चल रहा है। तस्वीरें हम आपको एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शुक्रवार शाम जो हादसा यहां पर घटा वो किस तरह से घटा। 80 फीट गहरा ये बोरवेल है और करीब 60 फीट में जाकर के वो अटका हुआ है, लगातार उसका संघर्ष जारी है और उसके साथ ही हम आपको वो भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो प्रशासन अधिकारी है, जो SDRF NDRF की टीम है वो किस तरह से काम कर रही है। रेस्क्यू का जो प्लान ए है उसके तहत अभी काम किया जा रहा है। समकक्ष भी वहां पर एक पैलरी गड्ढा खोदा गया और फिर उसके बाद किस तरह से एक टनल का निर्माण किया जा रहा है एनिमेशन के जरिए हम आपको समझा रहे हैं।